11 वर्ष की गुमशुदा बेटी की तलाश में जगह जगह पोस्टर चिपका रहा पिता। हाथरस रतनगढ़ी से 3 माह से अधिक समय बीतने के बाद भी हाथरस जंक्शन पुलिस नहीं खोज पाई 11 वर्ष के मासूम को। पिता खा रहा दर दर की ठोकरें, खुद ही जिले में जगह जगह जाकर लगा रहा अपने बेटे के गुमशुदा के पोस्टर और लोगों से बच्चे के बारे में ले रहा है जानकारी। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर 2022 को थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव रतनगढ़ी के रहने वाले सतीश चंद का बेटा दीपक गांव से गायब हो गया। आखिरी बार गांव के ही 2 व्यक्तियों की मोटरसाइकिल पर उसे देखा गया था, जिसके बाद सतीश चंद्र बेटे को ढूंढने में लग गया। जब उसका कहीं पता नहीं चला तो उसने हाथरस जंक्शन पुलिस को तहरीर देकर बेटे को ढूंढने की गुहार लगाई। तब से अब तक लगभग 4 माह का समय व्यतीत हो गया, लेकिन आज तक हाथरस जंक्शन पुलिस गुमशुदा 11 वर्षीय दीपक की कोई खोज खबर नहीं ले पाई है। वहीं पिता पूरे ज़िले में दर दर भटक कर अपने बेटे के गुमशुदा होने की लोगों को जानकारी देकर उनसे पूछताछ कर रहा है और खुद ही हाथरस जिले के साथ ही आसपास के जिलों में अपने उसके गुमशुदा के पोस्टर चिपका रहा है। सतीश चंद ने बताया कि जब हाथरस जंक्शन थाने जाता है तो वहाँ के प्रभारी उसे कह देते हैं कि मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ जो बच्चे को ढूंढने के प्रयास जारी हैं। इतना सुनकर पिता वापस चला आता है। बता दें कि सतीश चंद की केवल 2 ही संतान थी, एक बेटी थी जिसकी शादी कर दी और एक बेटा गुमशुदा है। पत्नी भगवान को प्यारी हो गई है। सतीश चंद के जीवन का एकमात्र सहारा यही बेटा था जो गुमशुदा है। बड़ा सवाल ये है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस गाय और भैंसों को 24 से 48 घंटे में ढूंढ लाती है, वही उत्तर प्रदेश पुलिस गुमशुदा इंसानों को कैसे नहीं ढूंढ पाती है, जबकि जानवर मुंह खोते हैं और इंसान बोल सकता है। क्या नाम है तुम्हारा? सतीश चंद। सतीश चंद, तुम जगह जगह गुमशुदा के पोस्टर चिपकाते घूम रहे हो, क्या मामला है, क्या घटना हुई है? मेरा बच्चा लापता हो गया 8 तारीख 10वें महीने में। मैंने 9 तारीख को रिपोर्ट भी कराई। क्या नाम था बच्चे का? दीपक। कितनी उम्र होगी? 11 साल। 11 साल। रिपोर्ट करा दी। 9 तारीख को रिपोर्ट हुई है। आज तक मेरे बच्चे का कोई पता नहीं चल रहा। 2 व्यक्तियों ने लाके छोड़ा है मेरे घर पे, बता रहे हैं कि रामपुर से हम लेके आए, मुझे नहीं पता था कि ये रामपुर से लाएँ, कहाँ से लाएँ। मुझे बच्चा आज तक नहीं मिल रहा है। उसमें 2 चाबी रहती हैं और कहा जा रहा है, जब उसके बाद 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया छोड़ा, जो आप रोज मारते थे और दारू पीते थे इसलिए वो चला गया था, पहले भी चला गया था, तो मेरा बच्चा कभी नहीं गया मेरे अलावा। तुम 2 व्यक्तियों किसने पकड़ा था, तुमने पुलिस ने? उन्होंने व्यक्तियों ने, गांव के व्यक्तियों ने पकड़ा था। अच्छा। उन्होंने छोड़ा है लेकिन मेरे बच्चा अभी तक नहीं मिल रहा है मुझे। पुलिस के पास जाते हो, क्या कहती है पुलिस? यही कहती है कि हम देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, हम भगवान थोड़ी हैं तो इतनी जल्दी हम तलाश कर रहे हैं, आप भी करो और हम भी करें। मैं अकेला आदमी बहुत तलाश कर रहा हूँ, मुझे कहीं मिलना नहीं है, मजदूर आदमी हूँ, खाने पीने से भी परेशान हो रहा हूँ। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास बच्चे तो 2 थे, एक लड़की थी उसकी शादी कर दी है, तो बाली बच्चेदार है, ये एक मेरा बच्चा था। यही बच्चा है मैं और मेरा बच्चा और कोई घर में है नहीं है मेरे अलावा। कौन सी पुलिस है, किस कौन से थाने की बात है? ये जंक्शन थाने की बात है। जंक्शन पुलिस ये कहती थी हम भगवान थोड़ी ना है। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।